केलोंग से आए थे ग्रुप के साथ, अटक चुके हैं, आगे लैंडस्लाइड है। अब देखते हैं क्या करते हैं, वापिस चलते हैं। अभी यहाँ पे तो अटक चुके हैं, पीछे स्टे लेते हैं, शाम तक शायद वाले ये वाला पैस खोलेंगे। तो थोड़ी देर चलते हैं भाइयों के साथ, कुछ खाते पीते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे भी, फिर चलते हैं। भाई देख लो, अपने चार पांच गाड़ियाँ हैं, एक दो आगे पीछे है। तो भाई भाइयों के साथ चलते हैं, अब पहुंचते हैं फटाफट। ये ऐसा कुछ व्यू है, यहाँ पे हम रुके हुए हैं। आगे दो भाई अभी आर्मी वगैरह के जो ठीक करेंगे रोड वगैरह, जैसे भी चलाएंगे उनको लेके गए हैं। तो अभी देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा, वो भाई फोन कर देंगे, हम यहाँ से निकलेंगे। नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा जिस्पा का, तो जिस्पा में स्टॉप लेंगे। अभी फिलहाल यहीं टाइम फोड़ रहे हैं हम लोग, देखते हैं बाकी कितना क्या टाइम लगेगा। यूँ मान लो शाम तक तो ये मान लो हो ही जाएगा, क्लियर जाता है, उसके बाद देखेंगे। तो शाम को मिलते हैं आपसे, इतने थोड़ा खाते थे पीते इतने भाई, रास्ते रास्ते में देखते हैं। ये भाई देख लो, यहाँ पे रिवर का कुछ ऐसा व्यू हो रहा है, ये अपना बाहर का व्यू है। भाई देश वाले कैसे टाइम पास कर रहा है, कैसे टाइम पास हो रहा है, कटे क्या करें। पर यूँ ग्रुप साथ है तो भाई टाइम फूट जाता है, भाई वगैरह सारे साफ है तो टाइम तो पता नहीं चल रहा। पर भाई हम भी फिर ये टाइमिंग अपने जाके तो आएंगे, आराम आराम से जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फुल एंजॉयमेंट दिखाएंगे भाई, ले तक की क्या सफर रहा, कहाँ कहाँ रुके, पूरा सफर दिखाएंगे भाइयों को अपना। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो रोड क्लियर हो रहा है, आगे जेसीबी वगैरह चल रही है, ये सारे भाई खड़े अपने, सारी थार खड़ी है। देखते जल्दी जल्दी हो जाए तो मजा सही आ जाए, फिर आपको तगड़े व्यू दिखाएंगे। क्या भाई तेज, बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। भाई कैसे यहाँ पे जाम में खड़े हुए कैसे लग रहा है? भाई बस बुरा ही लग रहा है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं भाई। अभी तो बिठा के लाया मैं जो गाड़ी, वो जो हटा हुआ सारी चीज, और देखो कितनी जल्दी हटाओ, ये सारे भाई यार गैल के हैं, छह गाड़ी, यही तो सस्पेंस था भाई, यही सस्पेंस। हाँ भाई, बता ही नहीं पूरे रास्ते भाई, एकदम यूँ कह रहे के लोग में जाके एक चीज दिखाता हूँ, फिर जब मिले भाई। भाई पहले तो कती धूप ना रही थी, ये भी तो सही बताऊं तो धूप ने मार रखे है भाई, बहुत बुरी गर्मी, कती आंखा पे लग रही है, सर में दर्द कर रही है बहुत। चल कोई ना भाई, आपको आगे अटक चुके हैं, देख सकते हो रोड पे कम से कम 10 फुट ऊपर तक मलबा जमा हुआ है, ये पता नहीं कितनी देर में क्लियर होगा, जैसे भी लग रही है यहाँ पे, देख सकते हो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर करने की कोशिश कर रही है वैसे, पर देखते भाई कितनी देर कर पाएंगे, कितनी देर में ले तो जाना है ही, देखें कितनी देर पहुँचेंगे, कितना भाई वगैरह सारे ही वेट कर रहे हैं। आगे भी देख सकते हो वहाँ पर भीट लग रही है दूसरे को। भाई जान है तो इसके जान से काड़ा ऊपर ही चढ़ के देखो, मस्ता देख लगा भाई, कुछ दबाव नहीं मार रहा। तो भाई अपनी गाड़ी में आ गई थी रीजनरेशन की दिक्कत, तो यहाँ पे अपने एक भाई है वो महिंद्रा में ही काम करते हैं, मतलब जे वगैरह है उसमें, तो उन्होंने अपना ऑप्शन दिखाया है। अब ये मैनुअली रीजनरेशन हो रही है गाड़ी, देख सकते हो आरपीएम ले रही है गाड़ी अपने आप ही। तो भाई इस चीज़ का फ़ायदा होता है ग्रुप में आने का, अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो महिंद्रा में काम कर रहा, तो भाई उसकी नॉलेज ज़्यादा ही रहती है। यहाँ देख सकते हो भाई फुल गाड़ी आरपीएम ले रही है, और अपना इसको कूल डाउन कर रही है, जो रीजनरेशन होता है इसको नॉर्मल कर रही है, फिर इसके बाद इसकी वजह से गाड़ी दाव मान रही थी, इसके बाद गाड़ी ठीक हो जाएगी। ये अपने भाई है जो लग रहे हैं, इन्होंने बताया। तो भाई देखते हैं कितने टाइम, ये कह रहे 10-15 मिनट गाड़ी अपने आप ऐसे नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई देखते गुड मॉर्निंग गाइस, चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, क्लियर हो रहा है, फटाफट निकल रहे हैं अब ले के लिए। सुबह के बज रहे हैं 6, देख सकते हो टाइम 6 बजे ये चेक पोस्ट खोलेंगे, मज़ा आ रहा है, खुशी मिली, जा रहे हैं पहुंच जाएंगे, उम्मीद है अब हमें थोड़ी थोड़ी मन को शांति मिल रही है, क्यों देशवाल। तो भाई ये रहा अपना सारा ग्रुप, देख लो पीछे तक लाइन बना रखी है गाड़ी, तो फटाफट ले लगाते गाड़ी, खींच चुके हैं सब, चलते हैं। तो गाइस गला खराब हो गया गाइस,
देख लो भाई रास्ते में पहुंच चुके हैं, बर्फ ही बर्फ है दोनों साइड और गाड़ी चल रही है एकदम स्मूथ। आगे चल रही है भाइयों की थार, पीछे चल रही है भाइयों की थार, चलते ही जा रहे हैं। एक नंबर स्वाद आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ गाड़ी घुमाने का मौका मिल जाए मेरे को, तो उसी में स्वाद आएंगे मेरे को। तो पता है ना तुम्हारा भाई कार लवर है, बस इसी वजह से। तो भाई चल रहे हैं अभी बारालाचा पहुँचने वाले हैं। बारालाचा पहुँचने के बाद आपसे मिलते हैं, वहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह शूट करेंगे अपनी भी, घाटी की भी, भाइयों की भी। तो फटाफट पहुँचते हैं, उसके बाद पहुँचेंगे हम सीता ले। तो आप सब बारालाचा में मिलते हैं। हम रुके थे यहाँ, मजाक मस्ती थोड़ी चल रही है, भाइयों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी दूर है बारालाचा, बस पहुँचने वाले। थोड़ी देर रुके थे सब, एक बार आगे पीछे हो गए थे तो एक साथ होते हैं, प्लीज चलते हैं फटाफट। बारालाचा पहुँच चुके हैं, देख लो ये रहा बोर्ड, कहेंगे सीधा ले के लिए भाई। तो आपसे सीधा ले में मिलते हैं भाइयों। ये रास्ते में देख लो कैसे का रास्ता है बारालाचा के आगे, ले के लिए सरचू जा रहे हैं अभी, सरचू से ले जाएंगे। तो पहले अब सरचू पहुँचते हैं, उसके बाद ले आएगा। तो सरचू पहुँच के आप मिलते हैं, इतने आप टाइम लेस वगैरह इन्जॉय करो। ब्रेक के लिए रुके थे, ये अपना लाइन अप है, यहाँ पे खाने पीने का मिल रहा था उसके लिए। भाइयों का प्यार देखो, फीते बांधने तो मुझे भी आते हैं, और भाई का प्यार देखो भाई, ये होता है प्यार। जाट की आ रही देख रहे भाई, अभी तो दूसरा बांधने का भाई सिस्टम सिस्टम है अपना। और देखो भाई ये है अपनी थार खड़ी सिस्टम, वरना वरना नहीं है भाई। देर रेस्ट के लिए रुके सारे पहाड़ में, बिल्कुल गाड़ी चला चला तक के ऑफ रोडिंग करी, अभी देखते कितना क्या रहता है। पोस्ट है आगे निकल चुके, पता ही नहीं कहीं मिल नहीं रही, आगे देखते कहाँ मिलेगी वो। अरे नहीं नहीं पीछे ही है वो, देखो दो गाड़ी आ रही है, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। चलो गाइस मिलते हैं आपसे। भाई काफी देर से इस रास्ते पे चल रहे थे, तो काफी खराब रास्ता आ गया बीच में, एक पैच काफी लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा। इस पर चलते चलते सारे भाई परेशान हो चुके हैं, और बस ऐसा हो रहा है कि बस ये खत्म हो जाए और भाई प्लेन रोड आ जाए। हाँ प्लेन रोड आ जाए। तो भाई कोई भी भाई इस पैच से आए तो कृपया पेशेंस रख के आए, वरना बहुत दिमाग खराब होगा। हमें पता है हमारा कैसा दिमाग चल रहा है, हमारे पास ऐसे भटक हो रही है कि बस प्लेन रोड आ जाए खत्म। 5 दिन में तो आने दिया है। तो हम थोड़े ज़्यादा परेशान हैं, पर ये है कोई नहीं, आराम से पहुँचना है। तो भाई इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, और जाम वगैरह भाई कुछ भी मिल सकता है। तो जो कोई भी भाई आए अपने पेशेंस आए, बिल्कुल फ्री हो, यूँ नहीं भागा दौड़ी में। हाँ अगर आपके चक्कर में देख लो भाई, पेशेंस के चक्कर में ही हम इतने दिन रुके कि अपनी पब्लिक को ये सब चीज़ें दिखाएंगे, ले दिखाएं पूरा, ले दिया है लद्दाख दिखाए, पूरा टूर करें इनके लिए। तो भाई जुड़े रहे, बने रहे, और सारे लोग से के धन्यवाद। रेस्ट के लिए रुके सारे पहाड़ में, बिल्कुल गाड़ी चला चला तक के ऑफ रोडिंग करी, अभी देखते कितने क्या रहता है। पोस्ट है यदि तो इसके यहाँ पे रुके थे थोड़ा फन वगैरह करने के लिए सारे, अब बस थोड़ी देर में चल रहे हैं यहाँ से। थोड़ी दूर रह गया है, 150 से कुछ किलोमीटर रह रहा है यहाँ पे, सांस का कुछ फील हो रहा है क्या थोड़ा है, पर देखते पोस्ट है फटाफट। भाई देख लो तेज वाला बत्ते भी अलग अलग होट रहा था मेरा भी, तो भाई मैं थक गया था। गुड इवनिंग गाइस, मेरे पिछवाड़े में कुछ ज्यादा दर्द हो गया था, तो चाचा को दे दी गाड़ी, मगर चला लो बस की नहीं है, थक लिए भाई बुरे वाले। रोड अब आया देखो, जब दिए रब रोड ऐसा है, पिछले वाली वीडियो में देख लेना कैसा था,
उछल उछल के सोकर बैठ गए हैं, मान लो इसी ब्लॉग में दिख जाएगा सर। तो भाई अभी पहुंचने वाले ले कुछ किलोमीटर रह रखा है, कितना रह रहा है भाई? 70 80 82 हाँ 80 के करीब रह रहा है, तो मतलब पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में। चलो गाइस मिलते हैं आपको वही फटाफट। फिर फिलहाल पहुंच चुके हैं ले, हमें होगी काफी देर, फ्यूल पंप पे अभी फ्यूल फिल करवाया, उसके बाद हम आए शायद ये ले की मार्केट वगैरह कुछ ऐसा कुछ, तो हम चलते हैं कुछ खाते पीते हैं रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर आपसे मिलते हैं।